उसके बारे में आकलन करना पड़ेगा। सरकार के सारे सरकारी बैंक है, अगर भारत सरकार कहे तो 2 दिन में सारे आंकड़े उनकी टेबल में पहुंच सकते हैं। यह भी पॉलिटिकल विल पावर का सवाल है। वो बोलते राज्यों से मशवरा करना पड़ेगा, राज्यों को छोड़ दो आप केंद्रीय बैंक और केंद्र की बात करो, उसमें से फिर फाइनल करो कि कर्ज किसान मजदूर का खत्म करना कैसे करना, बात आगे बढ़ जाएगी। तो मैंने जो आपके समक्ष बातें रखी, मुझे बार बार आप सवाल करते हैं कि इसका हल क्या होगा, तो ये हल के रूप में हम आगे बढ़े। बाकी सब मांगे महत्वपूर्ण है, उनके बारे में विचार करके मांग मना के आगे चला जा सकता है। जो खेती संकट को हल करने की बात है, अब खेती किस तरह से प्रफुल्लित हो भारतवर्ष में, असल किसानों का किस तरह से भला हो, ये बात इस तरह से हो सकती है। जहां तक ये कहा जा रहा है कि इससे महंगाई बढ़ जाएगी, अब पहले MSP हमें मिल रही है, बहुत सी फसलों पे सरकार खरीद कर रही है, तो वो बोले धान और गेहूं पे MSP हमें मिल रही है, तो इसका संबंध महंगाई से कहां है? बोल दे, मैं उचित जवाब दे रहा हूं उनको, कहां से महंगाई? जिन फसलों पे सरकार खरीदी करती है उनका रेट बाजार में कम है, जिन फसलों पे सरकार खरीदी नहीं करती है उनके दाम मार्केट में बहुत ज्यादा है, ये उल्ट प्रभाव है। दूसरा, जो ये कहा जा रहा है कि जो किसान मांग रहे हैं ये देश की बड़ी पूंजी इन मांगों पे लग जाएगी, तो ये भ्रमित करने वाली बात है। देखिए, बहुत सी कैलकुलेशन आपके सामने आई है, वो कह रहे हैं अगर 23 फसलों की भी हम बात करें, 36,000 करोड़ रुपए से चल सकता है। एक कैलकुलेशन ये बोल रही है 2 लाख 2.5 लाख से सारा घाटा पूरा किया जा सकता है, जो सरकार खरीदेगी आगे बेचेगी भी, एक सर्कुलेशन होगा। फर्स्ट ईयर में हो सकता है 2 पैसे अधिक लग जाएं, नेक्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होगा। तो ये भी देश को गुमराह करने वाली बात है कि देश की पूंजी का अधिकतर हिस्सा किसानों की मांगों के ऊपर चला जाएगा। और दूसरी बात, और जो मैंने अभी आपके सामने बोला 2.5 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपया, तो अभी देखे हमारी आबादी कितनी है, 60% देश का किसान है, तो भाई इतनी GDP में आप देख ले कितनी बड़ी पूंजी, तो ये थोड़ा सा हिस्सा भी हमें देने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा, अगर MSP पे लीगल कानून पर खरीदी होगी, सरकार ने PDS सिस्टम रखा, वो बोल रहे हैं हम 80 करोड़ से प्लस लोगों को मुक्त अनाज देंगे, तो कैसे देंगे भाई? आप खरीदेंगे तभी देंगे, खरीदी करेंगे तो देंगे। तो जो पहले आप हमसे खरीदे, किसान को उचित मूल्य मिले, PDS से आप जो गरीब है उनको दें, तो दोनों बातें आपस में बिल्कुल आगे बढ़ सकती हैं। आप तो तेल 20 दालें विदेशों से मंगा रहे हैं, किस लिए मंगा रहे हैं भाई? हम पैदा करने के लिए तैयार है, इसलिए बाहर से भी हमें MSP पे खरीदी नहीं होती, तो हम इधर बढ़ नहीं रहे। अगर हमें बोल दें अब MSP लीगल गारंटी कानून बनाए, हम आपको पैदा करके देंगे, इसी देश में किसान का भला भी होगा और जो गरीब है PDS में उसे भी दिया जाएगा। तो जो अभी पूरे दुनिया भर में सवाल निकल के आए केंद्र की ओर से, हमने आज की PC में उनका जवाब देने की बात कर रहे हैं। आगे बात डलेवाल साहब बोलेंगे। देखिए, पंधेर साहब ने मोटी मोटी बात आप सबके सामने रख दी है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी बात मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ। एक तो ये जो बात कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा चाहिए, MSP का पूरे देश के सभी किसानों को सभी फसलों के ऊपर देने के लिए बहुत पैसा चाहिए। अगर इस पर थोड़ा ध्यान करें दें हम, जैसे हमारे भाई साहब ने ये बात बताई, इन्होंने बात बताई 2.5 लाख करोड़ रुपए की, वो एक स्टडी है, एक स्टडी अभी नई और आई है, वो बड़ा हैरान करने वाली है। उसमें ये कहा गया है केवल 36,000 करोड़ रुपया ही चाहिए, लेकिन मैं फिर भी इससे आगे बढ़कर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर सरकार सीरियस होकर
देश के कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की तरफ जाती, हमारे जन दोनों की तरफ ध्यान दे, कारपोरेट लोगों का ध्यान देना थोड़ा कम करे, तो मेरा ख्याल है सारा मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अगर हमारे गांव में, हमारे छोटे छोटे कस्बों में लगेगी, छोटे व्यक्तियों को, आम लोगों को रोजगार मिलेगा। आज जो एग्रीकल्चर है, 50% रोजगार एग्रीकल्चर हमारे लोगों को दे रहा है, और उससे भी आगे पिछला आंकड़ा एक सामने आया कि 20% जीडीपी में शेयर है एग्रीकल्चर का। अगर एग्रीकल्चर 20% शेयर डालता है उसमें, तो भाई ये कौन सा तरीका है कि इनके लिए केवल 2.5 लाख करोड़ भी निकालना सरकार के लिए मुश्किल हो जाए, तो मुझे लग रहा है सरकार की नीयत में फर्क है। अगली बात जो ये बात कही जा रही है कि आंदोलन का ये जो समय है, ऑर्डिनेंस की बात की, हमारे भाई साहब ने ये बात कही कि ऑर्डिनेंस एक तरह का, पीछे भी तो सरकार 3 कानूनों के लिए ऑर्डिनेंस लाई थी, आज इनके हालातों को कंट्रोल करने के लिए, अगर देश के लोगों को कुछ देने के लिए अगर सरकार ऑर्डिनेंस ले आती है, ठीक है हमारे लिए एक बार ये लाइन के लिए, लेकिन ऑर्डिनेंस भी सरकार इस नीयत से लाए कि 6 महीने की उसकी म्याद होती है, समय होता है, उसको तुरंत प्रभाव से लागू करें ऑर्डिनेंस को, और आगे 6 महीने के अंदर अंदर जिस तरीके से सरकार ने उसको कानून बनाना होता है वो बन सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर सरकार की नीयत साफ हो तो। अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि समय की इन्होंने ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने लगभग 2 साल से अलग अलग तरीकों से सरकार के पास इन्हीं डिमांड्स को, डिमांड नहीं है, पहली तो बात मैं फिर क्लियर कर दूं, यही जो हमारी सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट्स की हुई थी, इनकी याद दिलाने के लिए रिमाइंडर मांग पत्र के रूप में देते रहे हैं।